हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 13.2। क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 13.2। इसके पांच क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताओ, आप पहले घर में रिवाइज करते हो या नहीं? प्लीज जो भी हैं चैप्टर्स, इनके फार्मूलेज बार बार जो है वो रिवाइज किया करो, और क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स भी निकाला करो, ताकि आपको अच्छी तरह सारी प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इस सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर ऑफ हाइट एंड बेस डायमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter of iron has approximately 8 gram mass, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा सिलेंडर शेप में आप लोगों ने बनाना है, ठीक है? एक सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये है 60 सेंटीमीटर। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? इस सॉलिड आयरन पोल, क्या है? एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। वो उसमें सॉलिड जो पोल है वो कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, उसके अंदर एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर जो है पूरा जो है डायमीटर, ठीक है, पूरा डायमीटर है 24,
बेस डायमीटर यानी यह पूरा जो है ना वो है 24 और रेडियस जो है 24 आ गया डायमीटर, ठीक है। और ये 12 जो है ये है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ठीक है। तो क्या है, इस सारी आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। अब दूसरा सिलेंडर जो है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज एप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। हमने क्या क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द पोल, पोल का मास फाइंड करना है, ठीक है। गिवन दैट दिया क्या हुआ है, 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज एप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो समझ आ गई क्वेश्चन की, फिगर तो आप लोगों को दी हुई होगी, ठीक है, फिगर आपको दी होगी, आपने बनानी नहीं है, बाकी आपको आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारे पास दो सिलेंडर हैं, ठीक है, पहला सिलेंडर है तो समझ आ गई, एक ये सिलेंडर और दूसरा वो सिलेंडर। अब इसका रेडियस जो है ये क्या है, 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट है फर्स्ट सिलेंडर की 220। तो पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी हम पहले सिलेंडर का निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम। फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 220 सेंटीमीटर। तो लिख लो रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, पहले सिलेंडर की का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या आने आएगा, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, पहले सिलेंडर की हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आ गया पाई आर स्क्वायर एच। क्या आ गया वॉल्यूम सिलेंडर का, फर्स्ट सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो लगा लो वैल्यू, पाई की लगाओ 3.14 क्योंकि दी नहीं हुई है। आर आ गया हमारे पास 12, रेडियस आ गया 12 का स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर एच है हाइट 220। तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, 3.12 इज इक्वल टू 3.14 इनटू 144 इनटू 220, ठीक है। 220 को करो 144 से, कितना आ गया 31680। अभी 3.14 से भी करनी है ना, तो हमारे पास आ गया कितना 99475, ठीक है, 0.2 कितना आ गया 99475.20। जीरो लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब, क्या आया सेंटीमीटर क्यूब, इट इज नंबर 1, ठीक है। अब आ गया हमारे पास, अब हम ले लेंगे रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर का रेडियस है 8
ऑफ सेकेंड सिलेंडर क्या है? रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर, सेकेंड सिलेंडर का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर, सेकेंड सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, ठीक है, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सेकेंड 60 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 8 8 64 इंटू 60। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3840 इंटू 3.14 इंटू 3.14 1203760। तो आ गया हमारे पास 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास सेकंड का, किसका आ गया? सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम आया ये हमारे पास? सेकंड सिलेंडर का, ठीक है। समझ आ गई हम लोगों को। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एक हमारे पास बड़ा सिलेंडर है, दूसरा हमारे पास छोटा सिलेंडर है। अब हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मीन्स पहले सिलेंडर का वॉल्यूम दूसरे सिलेंडर में प्लस करेंगे। तो अब निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा? पहले का वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर यानी 99475.2 प्लस दूसरे का यानी 12057.6, ठीक है। इन दोनों के वॉल्यूम को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 111532, ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकल गया, यानी फर्स्ट सिलेंडर का भी और सेकंड सिलेंडर का भी। समझ आ गई? अब गिवन मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन उन्होंने दिया है 8 ग्राम है। देखो क्या दिया है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो आप लोगों ने लिखना है गिवन
क्या गिवन है, मास ऑफ 1 cm³ ऑफ आयरन, मास ऑफ 1 cm³ ऑफ आयरन कितना दिया है, 1 ग्राम, कितना दिया है 1 ग्राम, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद मास ऑफ, ये जो है मास ऑफ 11153 2.8 cm³ ऑफ आयरन, अब इसका मास कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 को इसके साथ, ठीक है, समझ आ गई, इज इक्वल टू 11153 2.8 × 8 ग्राम, समझ आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो आ जाएगा 8992 8962, ठीक है, 0.4 ग्राम, और अगर केजी में बनाना होगा तो क्या होगा, 89962/1000 आएगा, तो ये बन जाएगा केजी, क्या ये बन जाएगा केजी में, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, आई समझ या नहीं, देखो क्या दिया है उन्होंने, सबसे पहले इतना इजी है, रेडियस लिखा फर्स्ट सिलेंडर का, हाइट लिखी, वॉल्यूम निकाल लिया हमने फर्स्ट सिलेंडर का, उसके बाद रेडियस लिखा सेकंड सिलेंडर का, हाइट लिखी और वॉल्यूम निकाल लिया सेकंड सिलेंडर का, उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हमने दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया, उसके बाद हमें दिया हुआ है मास ऑफ 1 cm³ ऑफ आयरन, 1 cm³ ऑफ आयरन का मास हमें दिया है 1 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ, अब ये टोटल सॉलिड जो है 11153 2.8 cm³ ऑफ आयरन वो कितना हो जाएगा, 11153 532.8 × 8 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो आया है ग्राम में, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1000 लग जाएगा, अब क्या करेंगे, 899624/10, इसके नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है, अपॉन 1000 इज इक्वल टू 899624/10 × 1/1000, तो अब क्या करेंगे, अब जो पट्टा होगा उसको काट लो वैसे, ठीक है, क्या करेंगे, 1000 है नीचे तो क्या हो जाएगा, 8922624/40, तो 892.2624 kg, 1000 है ना, तो हम कहां पॉइंट लगाएंगे, 892.2624 kg, ठीक है, समझ आ गई, आई समझ या नहीं, ठीक है, तो क्या है, सिर्फ हमने ये वॉल्यूम जो है इसको कन्वर्ट करना, देखो बेटा ये ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है तो हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, तो क्या करेंगे, 8922 62.4 है ना, अपॉन 1000 लगा देंगे, उसके बाद 8922 624 ये पॉइंट है, पॉइंट जब हटेगा तो इसके नीचे 10 लग गया, इसके नीचे क्या लग गया 10,
ठीक है, तो अपॉन क्या आ गया 1000 इज इक्वल टू 8922624 अपॉन 10 इंटू 1/1000, यानी 1000 के नीचे 1 है, 1/1000 इज इक्वल टू 8922624 अपॉन 1 और कितने 0, 1234, 1234 0, तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1234, यानी 892.2624 केजी, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम इसको, हम इसको कैसे लिखते हैं, 892.26 केजी, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा हमें दो ही रकमें लिखनी होती है, ठीक है। तो समझ आ गई इस क्वेश्चन की, देख लो अच्छी तरह, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ठीक है, फुल ऑफ वाटर सच दैट, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम, सच दैट इट टचेज द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। फिर कहते हैं इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज
करते हैं। तो ये है हमारे पास, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 120 सेंटीमीटर और ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, इस सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर कोन की तरह है वो, ठीक है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब कहते हैं स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, जिस हेमिस्फीयर पे वो स्टैंड कर रहा है उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अब कहते हैं इस प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस तरह से कि ये बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने फाइंड करना है जो सिलेंडर में है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर का रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई, आ गई ना समझ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, रेडियस हाइट, रेडियस कितना है 60 और हाइट है 120। ठीक है, आर है हमारे पास 60 और हाइट है, एच है हमारे पास 120। ठीक है, तो हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 22/7 इज इक्वल टू 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास 60, हाइट कितनी है हमारे पास 120। ठीक है, तो चलो कर लेंगे मल्टीप्लाई, 22 × 60 × 120। ठीक है, हाइट है आउटर की 180, 60 + 120 होता है 180, कितनी है हाइट 180। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई
करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1425 मल्टीप्लाई करने में आधा घंटा लगेगा, ठीक है। 630 upon 7। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें मल्टीप्लीकेशन बहुत है और एक एक मल्टीप्लीकेशन को हाफ एन आवर लग जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आप लोगों के पास, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, समझ आ गई। अब क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन? तो रेडियस कितना है वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए? रेडियस 60, हाइट 120। रेडियस 60, हाइट 120, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे हम, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के। इस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितना है, कितनी है 22/7 और स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास 120, ठीक है। तो चलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 316800 अपॉन 7 3 21, ठीक है। कट जाएगा 3 और वो तो अपॉन 7 आ गया, ठीक है। 7 से और कोई नहीं कटता, ये वाला ये कट जाता है, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब हम क्या कर क्या निकालना है हमें, अभी हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो सीधे सीधे ही लिख दो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का क्यूब। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन बहुत लंबी है, 3168 कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3168000, ठीक है, 3168000 अपॉन 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद हम इन दोनों को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में बेटा ये जो दो निकाले हैं हमने 3168000 अपॉन 7, 3168000 अपॉन 7, ठीक है, प्लस 3168000 अपॉन 7, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा यहां पर 7, तो ऊपर आ जाएगा 633600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर हमने निकाल लिया फार्मूला लगा के, पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला पहले हमने, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाला,
ये दोनों आ गए, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया ये क्या 633600 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, ये हमारे पास आ गया। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी इसमें से हमने ये माइनस करना है। ठीक है, 142 में से ये यानी 142 56 000 अपॉन 7 में से हमने क्या माइनस करना है, ये वाला 633 600 अपॉन 7 ये हमने माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 792 792। ठीक है, 792 40 अपॉन 7 1 2 3 4 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113 1 4 2 8 0.57 0.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन जो है ये काफी सारी है। आप लोगों को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऐसे जो कैलकुलेशन है ना वो ऐसे ऐसे निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से निकल सके। ये देखो क्वेश्चन तो निकल गया लेकिन क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन बहुत सी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो है काफी है इस क्वेश्चन में। तो फिर हमारा जो है ये वॉल्यूम ऑफ वो आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर 113 1 428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।